हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इंपोर्ट लाइफ एलटेक में। और मेरा नाम दिलसाद। इस वीडियोस में हम बात करने वाले सिडनी थंडर्स वर्सेस मेलबॉर्न रेंजर्स के बीच में जो केएफसी यूएस लीग का मैच नंबर 47 खेला जाएगा। तो इस मैच में अपनी ग्रैंड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम या हेरो टीम किस प्रकार से बनाएंगे या तो विन कैसे करेंगे। देखिए, आपको इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड जो है हेड रिकॉर्ड्स, विन रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, साथ ही साथ ग्रैंड लीग टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन सब कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 20, होप आप लोग कंप्लीट जरूर कर देंगे। अब बात करते हैं केएफसी यूएस लीग का मैच नंबर जो 47 है, यानी कि ये स्टार्ट कब होगा। 19 जनवरी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 1:45 यानी कि दोपहर में खेला जाएगा। टीम न्यूज के अगर हम बारे में बात करते हैं, सिडनी थंडर्स टीम जो है रिसेंट खेले 11 मैच जिसमें कि 5 विन है, 6 लॉस है। दोस्तों, टीम की कप्तानी क्रिस ग्रीन कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेलबॉर्न रेंजर्स टीम के न्यूज के बारे में, तो इस टीम ने भी दोस्तों 11 मैच खेले रिसेंट जिसमें कि 6 विन है एंड 5 लॉस है। तो थोड़ा सा जो है मेलबॉर्न रेंजर्स का परफॉर्मेंस विनिंग का बढ़िया है सिडनी थंडर्स के देखते हुए दोस्तों। एंड अगर हम बात करते हैं हेड रिकॉर्ड्स की, तो फिलहाल जो हेड रिकॉर्ड्स यानी कि लास्ट 3 ईयर्स में दोनों टीम के बीच में बीबीएस लीग के मैच खेले गए टोटल 6, जिसमें कि सिडनी थंडर्स ने दोस्तों विन करे 4 और मेलबॉर्न रेंजर्स ने विन करे 2। तो कहने का दोस्तों हेड रिकॉर्ड्स में सिडनी थंडर्स का परफॉर्मेंस बढ़िया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी कि जो मैच है किस ग्राउंड पे खेला जाएगा, ये मैच जो है फिलहाल मानका ओवल कैनबेरा में खेला जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्टेडियम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में, तो पिच जो कि रहेगी बैलेंसड, पेस बॉलर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, और एवरेज स्कोर यहाँ पे 150+ भी बन सकता है और 150 भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल बिग बैश लीग के मैच जो खेले गए हैं 21, जिसमें कि दोस्तों पहले टीम बैटिंग करने वाले ने विन करा है 9, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड इनिंग चेस करने वाली टीम ने 11 विन करे। नो रिजल्ट 1 मैच का है। एंड दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हाई स्कोर इस ग्राउंड पे जो बना है 219 का, लोवेस्ट इस ग्राउंड पे बना 40 का। देखिए, 2 मैचेस मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिग बेस्ट मतलब लीग के स्कोर कार्ड मैंने रख दिया है जो कि 28 दिसंबर को खेला गया था 2021 को सिडनी थंडर्स यहाँ पे दोस्तों, यानी कि लास्ट मैचेस की हम बात करें तो लास्ट के जो मैच हुए थे सिडनी थंडर्स यहाँ पे 200 रन बनाए दोस्तों 20 ओवर में। उसके बाद पार्थ उसको जो टीम जो है चेस करते हुए 166 रन बनाए थे 8 विकेट नुकसान, ये दोस्तों 20 ओवर में, मतलब कि देख सकते हैं हाई स्कोर यहां पे 200 का बना था और चेस भी नहीं हुआ है। 13 दिसंबर 2022 यानी कि इसी सीजन के बिग बैश लीग की हम बात करते हैं, जो कि 13 दिसंबर को एक मैच हुआ था, मेलबर्न स्टार्स ने इसी ग्राउंड पर बैटिंग करी थी और दोस्तों बिग बैश लीग का पहला मैच था और जिसमें कि 122 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। और सिडनी थंडर्स दोस्तों यहां पे चेस करते हुए 123 रन बना थी 9 विकेट के नुकसान पे और 20 ओवर में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए यहां पे आपको देख करके पता चल गया होगा कि सिडनी थंडर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और सिडनी थंडर्स यहां पे दोस्तों जो है मैच भी खेले। ठीक है, एंड अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीम के जो सिडनी थंडर्स की प्लेइंग 11 रहने वाली आपको पता है, डेविड वार्नर, मैथ्यू गिलक्रिस्ट ये ओपन करते हैं। दोस्तों, डेविड वार्नर रिसेंट 2 मैच खेल चुके हैं जिसमें कि 19 रन बनाए पहले मैच में, और अगर हम बात करते हैं दूसरे मैच में तो कोई स्कोर नहीं आया था इनके बल्ले से। एंड 9 गए रोजे दोस्तों। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो एक भी मैच नहीं इस ग्राउंड पे भी दोस्तों, एक भी मैच नहीं है। ओवरऑल बिग बैश लीग के इन्होंने 5 मैचेस खेले जिसमें 171 रन बनाए, 42 के एवरेज से बैटिंग करते हैं। बट दोस्तों, अभी तक देखिए पहले मैच में थोड़ा सा अच्छा स्कोर आया था, उसके बाद कोई अच्छा स्कोर इनके बल्ले से नहीं आया। अगर हम बात करते हैं टीम में रखने की, दोस्तों टीम में रख सकते हैं बट सभी टीम में आपको ट्राई भी नहीं करना और कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क नहीं लेना क्योंकि बैलेंसड पिच रहने वाली है। अगर यहाँ पे सिडनी थंडर्स पहले इनिंग बैटिंग करती है तो एक चांस हम यहाँ पे दे भी सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन डेविड वार्नर को दोस्तों। एंड अगर चेस करती है तो फिलहाल हम टीम से भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैथ्यू गिलक्रिस्ट की हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, रिसेंट 11 मैच खेले 184 रन बनाए हैं, 18 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 4 मैच इन्होंने खेले 30 रन बनाए हैं जिसमें कि 7 का एरो चंक है रिकॉर्ड्स में। इस पिच पे 4 मैच खेले हैं बिगेस्ट लीग के जिसमें 22 रन है 5 करोड़। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ देखिए मैथ्यू गिलक्रिस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है हेड रिकॉर्ड्स और विनिंग रिकॉर्ड्स में। एंड देखिए रिसेंट मैचेस की बात करते हैं तो 2-3 मैच बहुत कमाल के आए थे इनके, मतलब 3 से 4 मैच जो आए थे अच्छा खासा रन बनाया था, बट 2-3 मैच फिर रिसेंट आप देख रहे हो तो कुछ अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस मैच में भी ये रिस्की हो सकते हैं और रहेंगे भी दोस्तों। ठीक है, कैप्टन वाइज कैप्टन का रिस्क नहीं लेना, साथ ही साथ आपको सभी टीम में भी इनको ट्राई नहीं करना। आप बात करें सैम व्हाइटमैन जो कि दोस्तों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपर सेक्शन से आपको मिलने वाले, रिसेंट 3 मैच खेले जिसमें 49 रन बनाए, 16 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं और एक पारी दोस्तों पहली पारी में 42 रन बनाए, उसके बाद 2 मैचेस में लगातार ये फ्लॉप है दोस्तों। ठीक है, एंड अगर बात करते हैं इनके हेड रिकॉर्ड्स की, तो 4 मैच 12 रन है एंड 6 करोड़ से बैटिंग करते हैं। इसमें ग्राउंड पर दोस्तों 2 मैच खेले जिसमें 11 रन 5 करोड़। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए ये बॉलर्स के लिए पिच ज्यादा सपोर्टेड है, बट जो फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही है, देखिए आपने यहाँ पे देखा सिडनी थंडर्स 200 रन भी बनाई है। ठीक है, वो 2021 में था। एंड अगर हम बात करते हैं इस ग्राउंड पर, देखिए बॉलर्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, 100 में से मैं बता दूँ 60% बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। सैम व्हाइटमैन देखिए 2 मैचेस में फ्लॉप है यहाँ पे इस ग्राउंड पे और हेड रिकॉर्ड्स भी 4 मैच में ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। दोस्तों इनको भी हमें टीम में ज्यादातर ज्यादा ड्रॉप करना है, सभी टीम में लेकर के नहीं जाना। अब बात करते हैं वॉल्यूअर डिवाइस की, राइट हैंडेड बैट्समैन है एंड रिसेंट दोस्तों इन्होंने 11 मैच खेले जिसमें कि 323 रन बनाए हैं, 35 का एवरेज है। एंड अगर हम बात करते हैं हेड रिकॉर्ड्स की, 4 मैच में 83 रन है, 41 करोड़ है। इस पिच पे देखिए 5 मैच में 57 रन है,
19 कैच है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए जो आप देख रहे हैं सैम वाइटमैन मैथ्यू गिलक्रिस्ट दोनों तरीके से फ्लॉप हैं, हेट्रो डिवॉर्स वेन गॉड्स दोनों खराब है। जहाँ ओलिवर डेविस आपके लिए जो कि टीम में एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, तो दोस्तों इनको जरूर पिक कर लेना आपके टीम में। अब बात करते हैं वो एलेक्स रॉस की। तो एलेक्स रॉस जो है राइट हैंड बैट्समैन है, 11 मैच इन्होंने रिसेंट खेले, 196 रन बनाए, 24 के उससे बैटिंग कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं हेडेड गॉड्स की, 10 मैच में दोस्तों 210 रन उन्होंने बनाए और 30 के उससे बैटिंग कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे 8 मैच में खेले हैं इसमें कि 210 रन बनाए दोस्तों इन्होंने 30 के उससे यहाँ पे भी बैटिंग कर रहे हैं इस ग्राउंड पे भी। तो कहीं ना कहीं यार एलेक्स रॉस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, बट दो मैच अगर आप लगातार रिसेंट वाले देख रहे हैं तो यार खराब परफॉर्मेंस आया दोस्तों। देखिए अभी जो अब इनका हेडेड गॉड्स यानी कि अगर आप सैम वाइटमैन मैथ्यू गिलक्रिस्ट को फ्लॉप समझ रहे हैं और डेविड वॉर्नर का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, देखिए ग्राउंड पे तो नहीं खेले नहीं हेडेड गॉड्स, बट यार रिसेंट मैच को देखते हुए लग रहा है दोस्तों तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों तीनों जो है फिलहाल दिक्कत देते हैं प्लस, तो आपको क्या करना है ओलियो डिवाइस एलेक्स रॉस और मतलब रख लेना एलेक्स रॉस को आपको टीम में। डेनियल फेम्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है पहले मैच में बहुत अच्छी मतलब बॉलिंग कराई, विकेट भी निकाली। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फिलहाल बीच के मैच के, तो बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है डेनियल सैम्स का। लास्ट मैच में फिर एक बार आए और 4 विकेट इन्होंने दोस्तों झटक दी थी। अगर हम बात करते हैं रिसेंट 10 मैच इन्होंने खेले हैं जिसमें कि दोस्तों इनको 15 विकेट मिली और 2-3 से मैच में इनको 2 ही ओवर स्पेल के मिले, क्योंकि खासे अच्छे खासे रन चले जा रहे थे तो उस हिसाब से दोस्तों इनको 2 ही ओवर स्पेल के दिए जा रहे थे। अब बात करते हैं इनके हेड रिकॉर्ड्स की, तो 10 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 138 रन बनाए, 19 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। एंड 10 मैच में दोस्तों इन्होंने हेड रिकॉर्ड्स में बॉलिंग भी कराई जिसमें कि 13 विकेट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यार डेनियल सैम्स यहाँ पे अच्छी परफेक्टली चॉइस हो सकते हैं आपके टीम के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है कि नहीं, तो हम पिच का रिकॉर्ड देखते हैं इनका। 14 मैच इन्होंने पिच पे खेले जिसमें कि दोस्तों बॉलिंग कराई है और 14 मैच में 19 विकेट निकाली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। देखिए 14 मैच में इन्होंने बैटिंग भी करी इस ग्राउंड पे, 231 रन बनाए हैं एंड 227 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों परफेक्टली चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। और देखिए बैलेंसड पिच है तो यार बैटिंग भी मिलने के चांसेस इनके रहने वाले हैं। एंड स्पेल पे भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, देखिए 14 में 19 विकेट ले रहे हैं ग्राउंड पे। तो यार चॉइस रहेगी भाई कैप्टन वाइस कैप्टन को ट्राई कर सकते हैं इस मैच में दोस्तों आप। अब बात करते हैं बेन गटिंग की, राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं। रिसेंट 5 में दोस्तों इनको जो है 2 ही विकेट मिली है और बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा डाउन है इनका, तो अच्छा स्कोर भी नहीं आ रहा ना ही दोस्तों यहाँ पे इनकी बैटिंग देखने को मिल रही है। बट अगर बात करते हैं हेड रिकॉर्ड 16 मैच में 300 रन है, 25 के उससे बैटिंग कर रहे हैं, 16 इनिंग में दोस्तों बॉलिंग करें जिसमें 12 विकेट मिले हैं। और इस पे देखिए 10 मैच खेले जिसमें 147 रन बनाए, 29 के उससे बैटिंग करें, 10 इनिंग में दोस्तों इनको 2 विकेट भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका बैटिंग ऑर्डर डाउन है दोस्तों, ठीक है स्पिल कवर भी इनको नहीं मिलते हैं आप रिसेंट देख रहे हैं, कभी कभार एक दो ओवर मिल जाते हैं, एक ओवर मिलता है 2 ओवर उससे ज्यादा नहीं। तो यार अगर हम देखते बैलेंसड पिच है बॉलिंग पिच है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ओके गाइस, तो मतलब कहीं ना कहीं बेन कटिंग मतलब जब हम रखेंगे जब टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप करने वाले हैं बैलेंस सेट रहेगा तो एटलीस्ट हमें टीम में इनको रख लेना तब। अब बात करते हैं नथन एमसी एंड्रो की, राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। और आपने देखा दोस्तों स्टार्टिंग के मैचेस में बहुत ही कमाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट दिखे और लास्ट के एक मैच में इनको अगर हम बात करते हैं तो कोई विकेट नहीं मिली है। और देखिए अगर रिसेंट देखते हैं तो 8 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 12 विकेट निकाले हैं। दोस्तों देखिए सभी के टीम में रहने वाले भी हैं, सभी की अपनी टीम में रखेंगे बट रखना ठीक रहेगा, इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं कि नहीं वो हम जानते हैं। हेडेड गॉड्स में देखिए दोस्तों 6 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 6 विकेट लेकर जा रहे हैं इस ग्राउंड पर, 10 मैच में 13 विकेट लेकर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए रिकॉर्ड देखते हैं तो दोनों रिकॉर्ड बढ़िया इनका है, हेड रिकॉर्ड्स और वेन रिकॉर्ड्स। तो टीम में हम ट्राई करेंगे मतलब एटलीस्ट टीम में सभी लेकर के जाने वाले, कम से कम हमें सभी टीम में रखना है। और ड्रॉप करने की बात करें तो यार ड्रॉप नहीं करना हमें इनको, ठीक है चांसेस रहने वाले इनके। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों रिस्क भी आपको नहीं लेना, अगर लेना चाहते हैं तो फिलहाल वाइस कैप्टन रख सकते हैं वेन रिकॉर्ड को देखते हुए कि 10 में 13 विकेट हैं और डेनियल सैम्स के साथ आप इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का। क्रिस ग्रीन की अगर हम बात करते हैं राइट हैंड बैट्समैन स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट 11 मैच दोस्तों इन्होंने 8 विकेट निकाले हैं। एंड अगर हम बात करते हैं रिसेंट मैचेस की तो 2 मैचेस में लगातार ये फ्लॉप थे, स्टार्टिंग के मैच में फ्लॉप थे बट बीच के जो मतलब मैच में अच्छी खासी विकेट इन्होंने दोस्तों ली है, ठीक है टीम में कैप्टन भी है। अब बात करते हैं इनके हेड रिकॉर्ड्स की, तो 9 मैच में दोस्तों इनको 4 विकेट मिल रही है इस ग्राउंड पे 13 में 15, लेकिन 2 मैच में लगातार ये फ्लॉप है। आप देखिए दोस्तों इनको क्या करेंगे कैसे यूज करना है, सभी लोग अब इनको ऊपर से भरोसा उठाएंगे और सभी लोग अपने टीम से ड्रॉप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप करने वाले मैं आपको बता रहा हूँ 2 मैच में क्योंकि लगातार ये फ्लॉप रहे। तो यार क्या करना, देखिए वेन रिकॉर्ड्स को देखते हुए मतलब आप टीम में रख भी सकते हैं 13 में 15 विकेट, बट यार हेड रिकॉर्ड्स 9 में 5 है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट ग्राउंड यार बढ़िया है, ग्राउंड पे इनको सपोर्ट मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो यार दोस्तों कहीं ना कहीं इनको हम टीम में ट्राई करने वाले हैं बट सभी टीम में रखना भी नहीं है। ब्रेंडन रॉकर की अगर हम बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं, रिसेंट 11 मैच इन्होंने खेले हैं जिसमें कि दोस्तों 10 विकेट हैं। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं 5 में 5 विकेट है इस ग्राउंड पे 3 में 2 विकेट है। तो कहीं ना कहीं देखिए ग्राउंड पे 3 मैच में 2 ही विकेट मिल रही है और हेड रिकॉर्ड्स कमाल का है, 5 में 5 विकेट है ठीक ही है विकेट मिल सकते हैं तो इनको भी हम ट्राई करने वाले, बट 5 में टीम में दोस्तों क्या करना है 3 से 4 टीम में रखना है, मतलब 1 से 2 टीम में हम इनको ड्रॉप करने वाले हैं। और अगर आप एक टीम बनाते हैं तो यार एक टीम के लिए फिलहाल मेरे हिसाब से विन रिकॉर्ड्स को देखते हो ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट यार रिसेंट आप देख रहे हैं 2 मैचेस उनको विकेट नहीं मिली, सभी लोग ड्रॉप करेंगे, हेड टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में एक टीम में जाते हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं आप इनको। उस्मान कादिर की बात करते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड स्पिन बॉलर्स दोस्तों, रिसेंट 7 मैच में इनको जो है 5 विकेट मिली है,
हिटेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, दो मैच में एक ही विकेट है, ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं है। बिग बैसली की बात करें 14 इनिंग दोस्तों इनको 11 ही विकेट मिली, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको ठीक ठाक हेल्प नहीं मिली है। और ग्राउंड पे देखिए एक मैच भी है नहीं, और हिटेड रिकॉर्ड्स में देखते हैं तो दो मैच है दोस्तों एक विकेट है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो सभी टीम से हम इनको ड्रॉप भी नहीं करेंगे, और ज़्यादा टीम में हम इनको रखने वाले भी दोस्तों ने, ठीक है, पिक नहीं करना आपको। अगर आप पाँच टीम मतलब ज़्यादा टीम के साथ जाते हैं, चार से पाँच, तो ही आप इनको ट्राई करें। अगर दो टीम में जाते हैं तो दोनों टीम से आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेंच प्लेयर, देखिए दोस्तों आप यहाँ पे टॉबी ग्रे और जॉल डिवाइस बैक्सर होल्ट, ये आपको बेंच प्लेयर मिलने वाले हैं। अगर आते हैं प्लेंग में दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हेड रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स इनका क्लियर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मेलबॉर्न रेंजर्स टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। मार्टिन गप्टिन, जेक फ्रेसर, एम्सर गॉर्ग आपको देखने को मिलेंगे इस मैच में। एंड मार्टिन गप्टिन की अगर हम बात करते हैं, रिसेंट 8 मैच खेले हैं, 131 रन बनाए, 16 का एवरेज है। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, एक भी मैच नहीं है वेन्यू पे दोस्तों, एक भी मैच नहीं है, ये आपको प्लेइंग 11 में इस मैच में जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टीम में रखने की बात, तो देखिए कुछ अच्छा स्कोर इनके बैट से आया नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जितने मैचेस हैं मैंने स्कोर कर रख दिया। देखिए दोस्तों एक चीज ये भी क्लियर करता हूँ कि यार अपनी टीम में देखिए स्टार्टिंग में आएंगे तो सभी लोग रख सकते हैं, क्योंकि यार अच्छा कम बैक देंगे, सभी लोग यही सोचने वाले हैं। डेनियल सैम्स आए थे मतलब कि दो तीन मैच से बाहर, तो उसके बाद आए, अच्छा कम बैक, विकेट निकाली, तो शायद दोस्तों लोग अपने दिमाग यानी कि अपने थॉट्स जो रहेगी रखेंगे टीम में। बट अगर हम बात करें तो सभी टीम में आप इनको रखना भी नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत खराब था दोस्तों। अब बात करते हैं जेक्स फ्रेसर एमसी गर्ग की, तो राइट हैंड बैट्समैन दोस्तों, रिसेंट इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 35 रन बनाए, 7 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, और एक ही पारी जो कि जो 24 रन की दोस्तों इनको बल्ले से आई थी, और उसके बाद सभी मैचेस में फ्लॉप थे। आप देखिए इनको सभी लोग ड्रॉप करेंगे भले ही बिलिंग में शामिल हो जाए, बट यार दोस्तों आपको टीम में रखना है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनके हेड रिकॉर्ड देखिए 1 मैच में 24 रन है, और वेन्यू पे देखते हैं 1 मैच में दोस्तों 40 रन दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यार जो कि इनका एवरेज है, एक ही मैच में दोस्तों खेला इन्होंने हेड रिकॉर्ड्स वेन्यू रिकॉर्ड्स, बट बढ़िया परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट दिख रहा है। तो यार आप इनको ग्रांड लीग, स्मॉल लीग, हेड टीम सभी में लेकर के जाइएगा इस मैच में, ठीक है, ट्रंप रहने वाले। अदरवाइज यार दोस्तों आप टॉप प्लेयर सेलेक्ट करते हैं तो फिर मतलब क्या ही रहेगा, सभी लोग वही करके जाएंगे, तो आपको वो गलती नहीं करना, इनको जरूर रखना दोस्तों। सभी टीम में रखना भी नहीं है, बट यार दो टीम ग्रांड लीग की बनाते हैं तो एक टीम में आप जरूर रख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हेड रिकॉर्ड्स मैन रिकॉर्ड्स कमाल का इनका। सैम हार्पर की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और भाई लास्ट के 3-4 मैच में बहुत कमाल की बारी, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। 8 मैच 230 रन बना चुके, 28 करोड़ से बैटिंग करें, 3 मैच यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मैच 89, उसके बाद 63, फिर 51, मतलब अर्धशतक भाई 3 मैच में लगातार, और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट। हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो 10 मैच में 133 रन बना रहे हैं और 13 का एवरेज है, एंड इस पिच पे 3 मैच में दोस्तों 75 रन बनाए, 25 का एवरेज है, तो कहीं ना कहीं देखिए हेड रिकॉर्ड्स खराब है इनका। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों आपको नहीं रखना ये मैच को, ये स्कोर कार्ड देख करके, क्यों दोस्तों मैं आप बता रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसेड पिच है, बैटिंग पिच नहीं है, हाई स्कोरिंग पिच है, कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है दोस्तों। बट फर्स्ट इनिंग में अगर यहाँ पे सैम हार्पर फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने सिडनी सैंडर्स को देखा 200 का लक्ष्य यहाँ पे रखा इस ग्राउंड पर, ठीक है, 2021 में, और अगर फर्स्ट इनिंग यहाँ पे सैम हार्पर बैटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, तब हम इनको यहाँ पे मेलबॉर्न रेंजर्स टीम अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करी तो हम पे टीम में रख सकते हैं, एंड कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं जो इनके साथ ओपन करेंगे एरन फिंच, 11 मैच दोस्तों खेले हैं, 257 रन बनाए हैं, 28 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, एंड देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा स्कोर आया था 65 का एंड 36 का, उसके बाद देख रहे हैं 2-3 मैचेस में लगातार ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा। हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, 13 मैच दोस्तों 483 रन है, 48 करोड़ है इस ग्राउंड पे, 2 मैच में 33 रन, 16 करोड़ है, तो ग्राउंड पे देखिए बता नहीं था दोस्तों कि आपको बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है ग्राउंड, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं उनके टीम में रखने की, तो यार दोस्तों देखिए सभी लोग टीम में लेकर के जाएंगे। अगर हम बात करें हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो यार हेटेड रिकॉर्ड्स का माल है और 16 का एवरेज ग्राउंड पे भी है, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम बात करें तो टीम में हम दोस्तों इनको रख सकते हैं, ठीक है, टीम में हम इनको ट्राई करने वाले हैं। अब बात करते हैं मैट क्रंचली की, तो फिलहाल आपको मिलेंगे 3rd नंबर पर शायद भर, एंड कुछ चेंजमेंट होता तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा। टॉस के बाद 2 मैच इन्होंने खेले, 56 रन बनाए दोस्तों, एंड अगर हम बात करें 56 का एवरेज है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है एक मैच में नॉट आउट भी है। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते तो एक भी मैच नहीं, ग्राउंड पर भी दोस्तों एक भी मैच नहीं है। टीम में रखने की बात करें तो टीम में तो हम इनको जरूर ट्राई करेंगे, एंड कब रखना, देखिए ग्रांड लीग में सभी टीम में आपको लेकर के नहीं जाना, अगर 4-5 टीम बनाते हैं, हेड टू हेड में दोस्तों आप उनको जरूर ट्राई करिए, मैट करेंगे, क्योंकि सभी लोग इनको ड्रॉप करके आएंगे, आपके सामने वाला जो बंदा आएगा टीम बना करके वो पक्का ड्रॉप करके, क्योंकि टॉप ऑर्डर मतलब टॉप ऑर्डर रखेगा, जैसे कि फिंच हो गए और सैम हार्पर तो बैटिंग बॉलिंग सेक्शन से, सॉरी विकेट कीपर सेक्शन से रहने वाले हैं, एंड उसके बाद मार्टिन गप्टिल को भी ट्राई करके आएगा। बट आपको क्या करना दोस्तों, जो है मैच करेंसली को रख लेना, टॉप मिडिल पे है बैटिंग ऑर्डर, बट दोस्तों बैटिंग जरूर मिलेगी बैलेंसड पिच में, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जोनाथन विल्स की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, एंड दोस्तों रिसेंट 11 मैच में 206 रन बनाए, 20 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, हेड रिकॉर्ड 16 मैच है, 278 रन बनाए, 23 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं है। टीम में अगर रखने की बात करें, देखिए लास्ट के कुछ मैचेस अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट अगर हम देख रहे हैं विनिंग रिकॉर्ड, देखिए फिंच का
क्या कह रहे हैं, सभी ग्रैंड लीग टीमें ट्राई नहीं करना, तो एक में फिंच को आप ट्राई करना है तो एक में जॉन सिल्वर वेल्स को दोस्तों, ठीक है। एंड सैम हार्पर का देखिए वे रिकॉर्ड्स ठीक है, बट हेड रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो सैम हार्पर को भी ड्रॉप करने वाले हैं। एम सी कर्क को हमें रखना है, बट दोस्तों कब रखना है, ग्रैंड लीग के लिए रखना है, हेड के लिए रखना है दोस्तों, एम सी कर्क को पहले टीम में जरूर रखना है आपको, ठीक है। एंड अगर देखिए मार्टिन गप्टिल को आप ड्रॉप करना है, एंड उसके बाद फिंच का देखिए वेल रिकॉर्ड खराब है, इनको ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं, या मार्टिन सैम हार्पर को रखने के लिए ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या करना है दोस्तों, आपको जोनाथन विलियस को ट्राई करना है। जोनाथन विलियस देखिए डेथ में बैटिंग करने आते हैं, बट यार लास्ट के कुछ मैचेस में आप देख रहे हैं 22 रन, 26 रन, 44 रन, 24 रन, 22 रन, 28 रन, मतलब अगर आप टीम में दोस्तों ट्राई करेंगे तो आपको ठीक ठाक पॉइंट्स देखकर के जाने वाले। अब बात करते हैं विल सुतरलैंड, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, लास्ट मैच को छोड़कर दोस्तों इनको जिनमें इस पे के ओवर मिले तो उसमें इन्होंने जरूर विकेट निकाल लिया, ठीक है। और 11 मैच दोस्तों इन्होंने 130 रन बनाए, 26 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, 7 विकेट भी इनको मिली हुई है। हेड रिकॉर्ड 6 मैच में 20 रन बनाए हैं, देखिए बैटिंग ऑर्डर बहुत देर में रहेगा, तो यार बैटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। 6 इनिंग दोस्तों इनको 2 विकेट हेड रिकॉर्ड्स में मिल रही है। इस ग्राउंड पर बात करते हैं 2 मैच में 7 रन है एंड 2 मैच में 1 विकेट मिली, तो कहीं ना कहीं यार रिस्की हो सकते हैं इस ग्राउंड पे और हेड रिकॉर्ड्स में, जो कि अगर हम बात करें टीम में रखने की, तो दोस्तों सभी टीम में आप इनको लेकर के ना जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रुवंथा किलपोठा की, तो दोस्तों इन्होंने 2 मैचेस खेले रिसेंटली जिसमें कि 2 से ज़्यादा प्लस यानी कि विकेट मिल चुके हैं, 2 मैचेस में 3 विकेट मिल चुके हैं इनको। एंड अगर हम बात करते हैं इनके हेड रिकॉर्ड्स के, तो एक भी मैच नहीं ग्राउंड पे, भी एक मैच नहीं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बिग बैश लीग के आईसी सीजन में डेब्यू किया और 2 ही मैच खेले जिसमें 3 विकेट इनको मिल चुकी है। टीम में अगर रखने की बात करें तो यार विल सुतरलैंड को अगर ड्रॉप करते तो यार ये एक अच्छी और परफेक्टली चॉइस हो सकते हैं, विकेट आपको लेकर के देंगे ये। टॉम ब्रगर्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल ये राइट लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, 11 मैच में 19 विकेट ले चुके हैं दोस्तों। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं 5 मैच में 3 विकेट मिले, इस ग्राउंड पर देखिए 1 भी मैच नहीं। टॉम रॉबर्ट्स को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना, बट दोस्तों टीम में रखने की बात करें तो यार टीम में रख सकते हैं, क्योंकि 5 में 3 विकेट तो चांसेस हो भी सकते हैं और विकेट ना मिलने के भी चांसेस रहने वाले दोस्तों, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क आपको टॉम रॉबर्ट्स के ऊपर नहीं लेना। अब बात करते हैं केन रिचर्डसन, 10 मैच दोस्तों 11 विकेट हैं। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं 11 में 17 विकेट हैं एंड स्पीच पर देखिए 3 में 7 विकेट, तो कहीं ना कहीं यार केन रिचर्डसन के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, क्यों दोस्तों, क्योंकि बैलेंसड पिच है और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनका हिट रिकॉर्ड्स फेल रिकॉर्ड्स भी कमाल है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। और लास्ट के 2-3 मैचेस में आप देख रहे हैं हर मैच में आपको विकेट लेकर के दे रहे हैं, और तो इनको सभी टीम में आप लेकर के भी जा सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी आप इनके साथ ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फवाद अहमद की, दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन स्पिन बॉलर से रिसेंट 1 मैच खेला है जिसमें 1 विकेट इनको मिल गया। हिट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं 8 में 4 विकेट है, इस ग्राउंड में 7 में 5 विकेट है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हिट रिकॉर्ड्स फेल रिकॉर्ड्स खराब है, बट ओवरऑल बिग बैश लीग के इन्होंने 83 इनिंग में बॉलिंग करी जिसमें 87 विकेट मिले, तो इस इनिंग को देख करके तो हमें अपनी टीम में जरूर इनको ट्राई करना है, बट सभी टीम में रखना भी नहीं है और सभी टीम से ड्रॉप भी नहीं करना दोस्तों। मेरी पहली टीम रहने वाली जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, विल सुतरलैंड को इसलिए ट्राई कर लिया 4 तो कराने ही कराने, बॉलिंग किसी से हमने ट्राई किया समझ लीजिए, बैटिंग मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जो कैंसिल को हमने रखा है बैटिंग मिलेगी, जोनाथन विल्स, फिंच, सैम हार्पर, मैथ्यू किलक्रिस्ट, ओली डिवाइस, टॉम रोगर्स एंड उसके साथ नथन एम सेंडरो, केन रिचर्डसन, ये हमारी पहली टीम रहने वाली है। बाकी की टीम दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टॉस के बाद मैं इसे भी कंफर्म कर दूंगा। होप गाइस वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, चलिए मिलते हैं।